नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। जींद का रण जीतने के बाद नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन में हुई और इस दौरान कृष्ण मिड्डा के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत के दौरान मिड्डा ने बताया कि जींद उपचुनाव जीतने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शाबाशी दी है। मोदी ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएं और बूथ लेवल पर भाजपा को मजबूत करें। और इसी के साथ देखें पल पल की यह खास रिपोर्ट। मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने शाबाशी भी दी और कहा कि अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो और पूरी मेहनत से लोकसभा की 10 की 10 सीटें जिताने का काम करो, क्योंकि आपके साथ बाकी पदाधिकारी भी थे। जी, कहीं ना कहीं जींद का जो जोश और जुनून है वो लगता है कि लोकसभा तक और अगले विधानसभा तक पार्टी में चलेगा। वैसे बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा जोश जुनून रहेगा और 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीतने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा में भी माननीय मनोहर लाल जी के अगुवाई में, और माननीय मनोहर लाल जी ही दोबारा से हरियाणा की सीट पर विराजमान होंगे मुख्यमंत्री के रूप में। और क्योंकि जींद की जनता ने आपको बड़ी जीत दी है तो जाहिर तौर पर बड़ी उम्मीद हो जाती है, विकास को लेकर आपसे एक बड़ी उम्मीदें हैं, तो क्या चीज़ें जहन में हैं जो जींद को लेकर आप करना चाहते हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की गति जो जींद में आज से 4 साल पहले कुछ भी नहीं था, और इन 4 सालों में काफ़ी विकास हुआ है, चाहे वो बाईपास को लेकर हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज को लेकर हो या सड़कों को लेकर हो। इस विकास की गति को और तेज़ करने का काम करेंगे और जो रुके हुए कार्य हैं उनको भी प्रारंभ कराने का काम करेंगे।